रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में दो तीन लेक्चर पहले एक टॉपिक डिस्कस हुआ था कि जब वेव रिफ्लेक्ट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर फिक्स्ड एंड होता है कहीं पर भी फिक्स्ड एंड हो, और हमने कोई एक वेव भेजी वहां पर और उसका क्रेस्ट वाला पार्ट यानी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आपने भेजा वहां पर, ये कहते हैं कि जैसे जैसे ये वेव आगे जाती है फिर ये वेव थोड़ा सा और आगे ट्रेवल करेगी, फिर ये वेव और आगे ट्रेवल करेगी और ये जा करके उस फिक्स्ड वॉल को स्ट्राइक कर जाती है, मतलब तो ये वेव प्रपोगेट कर रही है किसी स्पीड पर, एंड देन फाइनली ये उस फिक्स्ड वॉल से कोलाइड करेगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट जाती है। लेकिन आपको अगर याद हो लेक्चर तो ये कहा गया था कि जब ये वेव रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से मतलब रिवर्स होके जब पीछे आती है तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, मतलब इसका एम्पलीट्यूड जो ए था उसमें एक सबसे नेगेटिव बड़ा नेगेटिव है, मतलब कि जो पॉजिटिव साइड की वेव होती है वो नेगेटिव साइड पे चली जाती है, वेव रिफ्लेक्ट कर जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद हम कहते हैं कि प्लस ए की जगह माइनस ए बन जाता है, एम्पलीट्यूड में साइन चेंज हो जाता है, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ पलट जाते हैं रिफ्लेक्शन में, और ये फेनोमेना होता है जब ये फिक्स्ड एंड पर आती हो। उसी उसी लेक्चर में एक और एग्जांपल दिया था कि अगर ये फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो, जिसका एग्जांपल ये लिया था कि अगर यहाँ पर एक रिंग कनेक्ट कर दे, मतलब एक वेव हो स्ट्रिंग हो और वो एक रिंग से अटैच हो और रिंग मासलेस हो, तो उसकी थ्योरी में ये कहा गया था कि अगर ये ए एम्पलीट्यूड होगा, इसको फ्री एंड का नाम देते हैं, मासलेस एंड मतलब फ्री एंड, तो उसमें ये कहा था कि जब ये वेव यहाँ तक पहुंच जाएगी और उसके बाद जब वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है, क्या इसमें भी माइनस ए होता है मास फ्री एंड वाले में, या फिर इस केस में जो वेव वापस होके आएगी इधर पलट के आएगी वो जैसी थी वैसी ही आएगी, तो फ्री एंड के लेक्चर में ये बताया गया था कि अगर ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड जाता है तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड ही वापस भी आता है, ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड का केस था। ठीक है, ये यस सर। चलिए ये, लेकिन ये वेव स्ट्रिंग का है, अब जरा सिमिलर कंसेप्ट लगाइए उसमें गैसेस में, सेम कंसेप्ट गैसेस में लगाओ, कोई पाइप ले लो, उस पाइप को एक साइड पे क्लोज कर दें, तो क्लोज होने का मतलब जो क्लोज एंड है वो बेसिकली फिक्स्ड एंड के काम करेगा, और यहां से हमने कोई एक साउंड की वेव भेजी इसमें, वो एक साउंड वेव इसकी तरफ जाए, ऑब्वियस सी बात है वो साउंड उस फिक्स एंड पे टकराएगा और टकरा करके साउंड वापस आ जाएगा। साउंड के केस में एक और रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो बता दें आपको, पहले तो साउंड वेव के केस में एक रिलेशन प्रेशर का पढ़ा था और उसमें कहा था कि जो चेंज ऑफ प्रेशर जनरेट होता है, मतलब साउंड जब मीडियम से प्रोपोगेट करता है तो उस मीडियम के प्रेशर को वो चेंज कर देता है, एंड चेंज ऑफ द प्रेशर इन दैट मीडियम वॉज माइनस ऑफ बल्क मॉडुलस इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरीके से बताया गया था साउंड की प्रपोगेशन में मीडियम के प्रेशर में जो चेंजेस आते हैं। यस सर। ठीक, चलिए अब मान लो जो साउंड आपने भेजा, अब जरा ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को, जो साउंड हमने भेजा उसकी इक्वेशन है कैपिटल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो साउंड हम भेज रहे हैं उसकी इक्वेशन है ए इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की, तो जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर के आएगा उसकी क्या इक्वेशन बनाएंगे, जो साउंड रिफ्लेक्ट हुआ उसकी अगर मुझे इक्वेशन बनानी है इस कंसेप्ट के हिसाब से, जब फिक्स्ड एंड पर रिफ्लेक्शन होगा तो एम्पलीट्यूड का साइन चेंज हो जाता है, मतलब प्लस ए माइनस ए, तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर ए एम्पलीट्यूड था उसकी जगह पर माइनस ए का एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, और क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद वेव की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जा रही है तो अंदर में जो माइनस साइन है ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि यहाँ का नेगेटिव साइन का मतलब होता है वेव राइट साइड जा रही है, अब ये लेफ्ट साइड आ रही है, तो यहाँ ओमेगा टी प्लस के एक्स आएगा, ये ध्यान देना दो जगह साइन चेंज होंगे, एक अंदर का ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होगा क्योंकि वेव का डायरेक्शन चेंज हुआ है, और एक बाहर का साइन चेंज होगा क्योंकि वेव फिक्स्ड एंड पर रिफ्लेक्ट हुई है।
अगर हम चेंज ऑफ अ प्रेशर कैलकुलेट करें जो हमारी इंसिडेंट वेव थी उसकी वजह से, इंसिडेंट वेव की वजह से अगर हम प्रेशर में चेंज निकालें और ये रिजल्ट आए तो माइनस ऑफ बी, और जो इंसिडेंट साउंड है यानी कि ये वाली इक्वेशन, इसका डी वाई बाई डी एक्स, और अगर हम इस इक्वेशन का डी वाई बाई डी एक्स लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स जिसके आगे माइनस बी के ए, तो एक माइनस पहले भी है यहाँ पर, एक माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये प्लस बी ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर हम चेंज ऑफ अ प्रेशर कैलकुलेट करें बाय द रिफ्लेक्टेड वेव तो माइनस बी, उसमें जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस बी और इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये अगर नोटिस करोगे तो इसमें भी प्लस बी ए के का टर्म आएगा। यस सर, क्या मतलब हुआ इसका कि जो प्रेशर में चेंज है अगर यहां पर पॉजिटिव चेंज है तो यहां भी पॉजिटिव चेंज है, मतलब प्रेशर की वेव में आगे का साइन सिमिलर है, डिस्प्लेसमेंट की वेव में यहां पर अगर प्लस ए का साइन था तो यहां माइनस के का साइन था, तो हम लोग कहते हैं कि वेव जो है इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। लेकिन अगर आप प्रेशर वेव की बात करो तो यहां पर भी पॉजिटिव प्रेशर, यहां भी पॉजिटिव प्रेशर आ रहा है, एक्चुअल में पॉजिटिव प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर प्रेशर का साइन चेंज ऑफ प्रेशर में जो साइन आएगा वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, बट कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन देख रहे हैं उसमें उसका साइन यहाँ भी प्लस है, उसका साइन यहाँ भी प्लस है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमने यहां पर कहा कि क्रस्ट जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ट्रफ बन जाएगा और ट्रफ जाएगी तो क्रस्ट बन जाएगी, लेकिन प्रेशर में ये चीज तो हो नहीं रही है, दोनों का साइन सिमिलर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसिडेंट वेव के अंदर कंप्रेशन जाएगा, कंप्रेशन तो रिफ्लेक्शन में भी कंप्रेशन आएगी, यहाँ के तरीके से नहीं होगा, यहाँ पर क्रेस्ट एंड ट्रफ बदल जाते हैं बट यहाँ पर हम साउंड की वेव को कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के फॉर्म में देखते हैं, तो अगर हमने कंप्रेशन भेजा है तो कंप्रेशन ही वापस आएगा, रिफ्लेक्शन भेजा है तो रिफ्लेक्शन ही वापस आएगा, ये सब कुछ होता है फिक्स्ड एंड के ऊपर, फिक्स्ड एंड पर कंप्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज ए कंप्रेशन, रिफ्लेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड एज रिफ्लेक्शन। बट अगर यही फ्री एंड होता है यहां पर, फिक्स्ड एंड की जगह फ्री एंड होता, मतलब ओपन एंड जिसको बोलते हैं, फ्री एंड का मतलब ओपन, अगर यहां पर ओपन एंड होता और इस थ्योरी को इंप्लीमेंट करें कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनके साइन में फर्क नहीं आता, तो अगर यही हमारा फ्री एंड का रिफ्लेक्शन होता तो ये जो इक्वेशन हम बना रहे थे इस इक्वेशन में ये बाहर वाला नेगेटिव साइन नहीं आता, और अगर बाहर वाला नेगेटिव साइन नहीं होता तो जब हम डी वाई बाई डी एक्स करके हम डेल्टा पी रिफ्लेक्टेड निकालते तो मुझे यहां पर एक माइनस साइन मिलता, अगर यहां माइनस नहीं होता तो यहां माइनस आ जाता, इसका मतलब अगर पॉजिटिव प्रेशर की वेव जाएगी तो नेगेटिव प्रेशर की वेव वापस आएगी, नेगेटिव प्रेशर की वेव जाएगी तो पॉजिटिव प्रेशर की वेव वापस आएगी, यानी कि अगर ये ओपन एंड हुआ तो ओपन एंड मतलब अगर एक पाइप ले और वो पाइप एक एंड पे ओपन है तो कंप्रेशन गया बट वापस आएगा रिफ्लेक्शन, और अगर वो क्लोज एंड है, पाइप क्लोज उसका एंड क्लोज कर दें अगर, तो जाएगा कंप्रेशन तो आएगा आएगा भी कंप्रेशन, यानी इस केस में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस यहां पर जनरेट हो रहा है, 180 डिग्री फेज डिफरेंस इसको बोलेंगे, क्योंकि साउंड की वेव को हमेशा प्रेशर के फॉर्म में देखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में नहीं देखते, तो प्रेशर के फॉर्म में देखेंगे तो पॉजिटिव प्रेशर गया नेगेटिव प्रेशर आया, यानी कि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस साउंड के केस में तब आता है जब रिफ्लेक्शन ओपन एंड पे की जाए, क्लोज एंड के रिफ्लेक्शन में साउंड की वेव का प्रेशर, साउंड की वेव में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच 0 डिग्री फेज डिफरेंस, यहीं पर स्प्रिंग, स्प्रिंग में अब जस्ट उल्टा है,
स्ट्रिंग वाली वेव के केस में अलग अलग, स्ट्रिंग में फिक्स्ड एंड पर जाने पर 180 का फेज डिफरेंस आएगा और फ्री एंड पे जाने पर 0 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। क्लियर है वो यहां तक? यस सर। ठीक, रिजल्ट ध्यान रखना इसको, तो इस पर जेई का क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एक्स पे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर। और इसकी हमारी जरूरत क्यों है, देखिए जो हम ऑर्गन पाइप के स्टैंडिंग वेव पढ़ते हैं, अब स्टैंडिंग वेव की थ्योरी हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ऑर्गन पाइप और स्टैंडिंग वेव, सपोज एक ऐसा ऑर्गन पाइप ले जो एक साइड से क्लोज, क्लोज इसको बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जो एक साइड से ओपन होगा और एक साइड से क्लोज होगा। अब स्टैंडिंग वेव की जो रेसिपी हमने बताई थी, मतलब उसको स्टैंडिंग वेव को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो स्टैंडिंग वेव को बनाने के लिए दो हमें वेव चाहिए, दो वेव चाहिए जो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। और ये कैसे लाते हैं, तो पहली वाली वेव हम क्रिएट करते हैं किसी ड्राइवर के थ्रू, मतलब हम क्या करेंगे, इस पाइप के एक एंड पर, पाइप के एक एंड पर प्लेस कर दीजिए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ सम फ्रीक्वेंसी एफ। तो ट्यूनिंग फोर्क का क्या काम है यहाँ पर, ट्यूनिंग फोर्क का काम होता है इस पाइप के अंदर वेव को भेजने का, ट्यूनिंग फोर्क की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी की कोई एक वेव इसकी वजह से इस पाइप के अंदर जाएगी। इस क्लोज एंड का काम क्या होता है, क्लोज एंड का काम होता है इस आने वाली वेव को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजने का, यानी यहां से वेव रिफ्लेक्टेड होंगी। फिर से बोल रहा हूं, ट्यूनिंग फोर्क जिसको कि हम ड्राइवर कहते हैं अपना, इसने एक वेव ड्राइव की, वो वेव ड्राइव करके आगे गई, यहां पर आने के बाद क्योंकि ये बंद हो चुका है तो वो जो वेव ड्राइव करके आई थी वो वेव रिफ्लेक्ट भी हो गई। और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूअस हो, मतलब कि यहां से वेव लगातार भेजते रहो आप और यहां से वेव लगातार रिफ्लेक्ट होती रहे, तो इस पाइप के अंदर सेम टाइम पर दो दो वेव हो जाएंगी, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इन्हीं के सुपर पोजिशन से इस पाइप के अंदर एक स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है, और स्टैंडिंग वेव उतनी ही फ्रीक्वेंसी की जनरेट होगी जिस फ्रीक्वेंसी की वेव भेजी गई। मतलब कि अगर हमने एफ फ्रीक्वेंसी की वेव भेजी है तो नाउ इसके अंदर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के सुपर पोजिशन होने की वजह से एक स्टैंडिंग वेव सेटअप हो जाएगी, और ये जो स्टैंडिंग वेव बनेगी ये बनेगी ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ, जो हमारे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी। अब जो ये स्टैंडिंग वेव बनेगी, स्टैंडिंग वेव का अपना एक प्री डिफाइंड पैटर्न है कि अगर यहाँ पर स्टैंडिंग वेव बनेगी तो उसका एक पैटर्न बनना होगा, उस पैटर्न में कहीं नोड आएंगे कहीं एंटी नोड आएंगे, और उस पैटर्न को मतलब स्टैंडिंग वेव की पैटर्न के बेसिस पर हम ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी की कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज बनेगी, कुछ पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज। तो पैटर्न क्या होगा वो देखो, सबसे पहले जो क्लोज एंड है यहाँ पर स्टैंडिंग वेव का जो पैटर्न होता है कि ऑल्टरनेट नोड एंटी नोड बनने चाहिए, यहां पर क्या पॉइंट बनना होगा, यहां नोड बनेगा या फिर एंटी नोड बनेगा जो एंड क्लोज। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव में जाएं तो बिल्कुल क्लोज एंड पर जो भी गैस का मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये क्लोज एंड है, ये आगे वाइब्रेट कर नहीं सकता, मतलब यहां वाला पार्टिकल वाइब्रेशन नहीं कर पाएगा, स्टेशनरी पार्टिकल होगा। इसका मतलब यहां पर जो भी पार्टिकल होगा वो एज अ नोड काम करेगा, एज अ नोड। बट ये हमने डिस्प्लेसमेंट के सेंस में बात की है, अगर हम प्रेशर के सेंस में बात करें, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर हम बात करें यहां पर, तो अगर हमने यहां पर कंप्रेशन भेजा था, नोटिस करेंगे कंप्रेशन भेजा, और अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि क्लोज एंड अगर होगा तो जो वेव रिफ्लेक्ट होगी वो भी कंप्रेशन से आएगी, कंप्रेशन गया कंप्रेशन आया इन दोनों का सुपर पोजिशन हुआ, कंप्रेशन प्लस कंप्रेशन विल बी मोर कंप्रेशन, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा कंप्रेशन होगी
गैस हाईली कंप्रेस्ड होगी यहाँ, और जब गैस यहाँ पर हाईली कंप्रेस्ड होगी तो प्रेशर सबसे ज्यादा चेंज हो रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि जितना ज्यादा कंप्रेशन गैस में होगा प्रेशर का चेंज उतना ही ज्यादा आएगा, यानी कि प्रेशर का वेरिएशन मैक्सिमम है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई लेकिन प्रेशर में वेरिएशन सबसे ज्यादा हो रही है यहाँ पर, और प्रेशर की सबसे ज्यादा वेरिएशन होने की वजह से इस पॉइंट को एंटी नोड कहा जाएगा अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो, मतलब प्रेशर वेव के रिस्पेक्ट में क्लोज एंड इज द एंटी नोड, क्या मतलब हुआ इसका, फॉर प्रेशर वेव क्लोज एंड इज द एंटी नोड, क्या मतलब हुआ, प्रेशर इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, ये एंड डिस्प्लेसमेंट का नोड है, क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट के मॉलिक्यूल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये मॉलिक्यूल जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे बना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी इसके अंदर, ये इसके डिस्प्लेसमेंट नोड का मतलब हुआ। अब आते हैं ओपन एंड पे, ओपन एंड पर, ओपन एंड पर क्या सिचुएशन बनेगी देखिए, बट ऑब्वियस है कि यहां पर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको यहां पर फ्री स्पेस मिल रहा है, और फ्री स्पेस मिलेगा, फ्री स्पेस तो वो सबसे ज्यादा वाइब्रेट कर सकते हैं यहां पर, यानी यहां पर डिस्प्लेस करने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट के मैक्सिमम चांसेस है यहां पर, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर के बेसिस पे देखेंगे तो यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा, और उस हिसाब से ये पॉइंट एंटी नोड बनेगा फॉर डिस्प्लेसमेंट, बट प्रेशर के सेंस में अगर बात करते तो क्योंकि ये ओपन एंड है, ओपन एंड्स पर क्या होता है कि अगर कंप्रेशन आता है, मतलब अगर गैस कंप्रेशन के फॉर्म में आएगी, कंप्रेस होकर के आएगी, तो रेरेफैक्शन के फॉर्म में वापस चली जाएगी, यानी कि गैस अगर कंप्रेशन के फॉर्म में आई है, यानी कि गैस का प्रेशर उसके नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा था, P नॉट प्लस डेल्टा था कुछ, कंप्रेशन का मतलब नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर की गैस थी, लेकिन वो गैस जब रिफ्लेक्ट हुई तो वो नॉर्मल प्रेशर से कम प्रेशर पे आ गई, इन दोनों का सुपर पोजिशन होगा, एक वेव गैस की प्रेशर को नॉर्मल वैल्यू से ऊपर कर रही है और दूसरी वाली वेव उसी गैस के प्रेशर को नॉर्मल वैल्यू से नीचे ले जा रही है, प्लस और माइनस का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो यहां पर प्रेशर का वेरिएशन जीरो हो जाएगी, और प्रेशर वेरिएशन जीरो होने की वजह से, मतलब जितना नॉर्मल प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर का मतलब अगर ये पॉइंट एटमॉस्फेयर में है तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहेगा, प्रेशर मेंटेन रहेगा इस पॉइंट पर, प्रेशर में कोई प्लस माइनस नहीं होंगे, और उस हिसाब से इस पॉइंट को नोड का नाम देंगे फॉर द प्रेशर वेव। ठीक है यहाँ पे, यस सर, ठीक है, ठीक। अब ये दो तो आपके बाउंड्री कंडीशंस हैं, क्योंकि इन दोनों जगहों पर रिफ्लेक्शन फिनोमेना है, यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इन दो पॉइंट्स पर रिफ्लेक्शन की वजह से नोड और एंटी नोड बन, और ये हमेशा बनेंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग पॉइंट्स, ये रिफ्लेक्टिंग पॉइंट्स, तो यहाँ नोड यहाँ या एंटी नोड डिपेंड करता कौन से वेव की बात हो रही है, यहाँ और यहाँ नोड और एंटी नोड की प्रेजेंस हमेशा कंपलसरी है। क्वेश्चन ये है कि क्या इनके अलावा बीच में भी नोड और एंटी नोड्स होंगे, तो अब इनके अलावा, मतलब ये तो कंपलसरी नोड है और कंपलसरी एंटी नोड है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नोड या फिर एक्स्ट्रा एंटी नोड इनके बीच में होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है कि जो वेव भेजी गई थी वो कौन से फ्रीक्वेंसी की भेजी गई थी। अगर हमने सबसे लो फ्रीक्वेंसी की वेव भेजी, अगर सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वेव भेजी, एंड एक बार फिर से, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मैक्सिमम वेवलेंथ, तो उस केस का मतलब होता है नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड कम से कम रखो, ये हमारे कंपलसरी नोड और कंपलसरी एंटी नोड। लो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब लीस्ट नंबर ऑफ नोड एंड एंटी नोड, और इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इससे लो नहीं जा सकते, इससे लो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि ये कंपलसरी है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना है, इस वजह से नोड एंटी नोड बनना ही है,
तो यही आपका मिनिमम वाला केस है, ये नोड और ये एंटी नोड। अब अगर इसकी लेंथ एल है तो अपना पैटर्न याद करो, नोड और एंटी नोड के बीच की जो लेंथ होती है वो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बाई फोर, यानी लेंथ शुड बी लैम्डा बाई फोर। यानी कि अगर ये ऑर्गन पाइप सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की वेव जा रही है, सबसे लो फ्रीक्वेंसी की वेव जा रही है, तो जो वेवलेंथ इसमें सेटअप हो रही है उसकी वेवलेंथ 4L है। और ऐसे में फ्रीक्वेंसी निकालना आसान है हमारे लिए, फ्रीक्वेंसी इज स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, सो इट इज द स्पीड v ऑफ अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज 4L, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। और यहां पर स्पीड के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा, क्योंकि हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं, साउंड वेव की स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस v बाय रो, या फिर इसका एक फॉर्मूला और पीछे बताया था, रूट ऑफ गामा इंटू आर इंटू टी अपॉन, तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। बस आपको स्टैंडिंग वेव में दो बातें समझनी है, एक जो हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट पर नोड और एंटी नोड जो बनते हैं वो रिफ्लेक्शंस की वजह से बनते हैं, और इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर नोड और एंटी नोड जो बनते हैं वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के हिसाब से बनते हैं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी करेंगे उतने ज्यादा नोड और एंटी नोड डेवलप होते चले जाएंगे। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की बात करें, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, तो यहां वाला नोड और यहां वाला एंटी नोड तो कंफर्म है, इनमें कोई डाउट ही नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से नोड और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से एंटी नोड, बट क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है इसका मतलब हमने वेव की वेवलेंथ कम कर दी, वेव की वेवलेंथ कम कर दी होगी तो नोड और एंटी नोड और पास पास हो जाएंगे, तो जब नोड एंटी नोड पास पास हो जाएंगे तो सेम लेंथ के अंदर ज्यादा नोड और ज्यादा एंटी नोड होंगे, लेकिन ऑल्टरनेटिवली भी आनी चाहिए। तो अगर यहाँ नोड है तो इसके ऑल्टरनेट में एक एंटी नोड बन जाएगा और उसके बाद एक और ऑल्टरनेट में नोड बन जाएगा, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपका एल अपॉन थ्री, ये डिस्टेंस भी एल बाई थ्री बन जाएगा और ये डिस्टेंस भी एल बाई थ्री बन जाएगा, और ये एल बाई थ्री लैम्डा बाई फोर होना चाहिए, यानी कि यहां पर लैम्डा की वैल्यू 4L बाई थ्री होगी, और लैम्डा की वैल्यू 4L बाई थ्री होने का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो स्पीड डिवाइडेड बाई वेवलेंथ 4L बाई थ्री, ये 3V बाई 4L आ गई। जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको म्यूजिकल इंडस्ट्री में, मतलब म्यूजिक के सेंस में अगर जाते हैं तो उसको बोला जाता है इट इज फर्स्ट ओवर टोन। नेक्स्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसमें फिजिक्स का कोई पार्ट नहीं है, ये सिर्फ म्यूजिशियंस का टर्म है, फंडामेंटल मतलब लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट ओवर टोन, इसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी को सेकेंड ओवर टोन। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फंडामेंटल से कितने गुना है, मतलब उसके कितने टाइम्स है वो लिखिए, ये वी अपन 4L है और उसका 3 times ही, 3 times ऑफ फंडामेंटल, तो फंडामेंटल के जितने टाइम्स आप हो गए, फंडामेंटल के जितने टाइम्स, ये हार्मोनिक बोलते हैं, थर्ड हार्मोनिक, मतलब अगर कोई फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में 5 मल्टीप्लाई करके आ रही है तो उसका मतलब वो फिफ्थ हार्मोनिक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में 7 मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी आ रही है, 7th हार्मोनिक होगी। ओवरटोन कैसे देखे जाते हैं, सबसे लो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, उसके बाद वाली फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद वाली सेकंड ओवरटोन, उसके बाद वाली थर्ड ओवरटोन। तो अगर हम अपने ट्यूनिंग फोर्क यानी ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा कर दें और ज्यादा फ्रीक्वेंट वे भेजें, फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके भेजें, इससे भी ज्यादा जो यहां पर है इससे भी ज्यादा, तो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी और कम वेवलेंथ, और कम वेवलेंथ नोड एंटी नोड के बीच का गैप कम हो गया, हमारे पास पाइप की लेंथ उतनी ही है, सेम लेंथ में नोड और एंटी नोड कम कम डिस्टेंस पे बनाएंगे तो उनके नंबर बढ़ जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे इसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी अगर देखी जाए तो और बढ़ा दो, हमने एक एंटी नोड और नोड बढ़ाया, एक और एंटी नोड और नोड बढ़ जाएंगे, तो ये जो डिस्टेंस एल बाई थ्री बन रहा था ये डिस्टेंस अब एल बाई फाइव हो जाएगा,
वो डायग्राम मैं बना नहीं रहा हूँ, डायग्राम आपको सोचना पड़ेगा कैसे हो रहा है। यस सर। तो उस टाइम पर जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी, मतलब जहाँ 3 आ रहा वहाँ 5 हो जाएगा। सो लैम्डा बाय 4 को एल बाय 5 कर देंगे। एल बाय 5 तो यहाँ लैम्डा 5 एल बाय 3 आ जाएगा वेवलेंथ की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। सो कुल मिलाकर के क्या बनेगा आंसर? फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन। इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 5 × V/4L। क्या बोलेंगे इसको? फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन। बहुत सिंपल है अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो, बड़ा सिंपल थ्योरी पे सब लोग चलिए। मतलब अब आप बताओ, जैसे हमसे कहा है मान लो प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में कहा जाए कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाइब्रेट्स इन फिफ्थ ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, सॉरी थर्ड ओवरटोन। आप बता सकते हो आप इतने, जैसे क्वेश्चन में अगर इस तरीके का लिखा हो तो लैम्डा की क्या वैल्यू बन रही होगी वहां पर? अगर हम पैटर्न देखें तो सबसे पहले वाला लैम्डा 4L डिवाइडेड बाय 1 है, दूसरा वाला लैम्डा 4L अपॉन 3 है, अगला वाला लैम्डा 4L अपॉन 5 था। तो इन जनरल लैम्डा की वैल्यू बनेगी 4L डिवाइडेड बाय 7। हाँ, 1 है फॉर द फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन में 3 है, सेकंड ओवरटोन में 5 है, थर्ड ओवरटोन में 7 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी यहाँ पर? V डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। बस आपको सिर्फ वेवलेंथ समझना है, तो स्पीड अपॉन वेवलेंथ यानी कि 4L अपॉन 7। अब इसको कौन सा हार्मोनिक बोलेंगे? 7V बाय 4L में कौन सा हार्मोनिक बोले इसको? 7th हार्मोनिक। 7th हार्मोनिक। और इसमें कितने नोड और कितने एंटी नोड होंगे? कितने नोड कितने एंटी नोड होंगे? और दो एंटी नोड नहीं सर, 5। देखिए ना, फंडामेंटल वाले में एक नोड है एक एंटी नोड, 1-1। फर्स्ट ओवरटोन में दो नोड दो एंटी नोड, आपको नंबर बताओ ना। ठीक है, फोर नोड फोर एंटी नोड। हाँ, एक नोड और एक एंटी नोड तो मिनिमम रखना ही है आपको, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन की वजह से बनने वाले हैं, इनको हम हटा नहीं सकते। तो 1 नोड और 1 एंटी नोड इज मिनिमम। अब आप इसको बढ़ाना स्टार्ट करो, मतलब पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट तो फॉर्मूला तो हमें कहीं भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं। फॉर्मूला तो जहां चाहोगे वहां किसी भी किताब से देख लो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं नोड और एंटी नोड आपको कैसे याद रखना है। इसको नोड और एंटी नोड मिनिमम बताओ क्या हो सकते हैं, सबसे कम कितने नोड कितने एंटी नोड। तो जो पाइप के एंड पॉइंट्स हैं उन पर तो एक एक होंगे ना? यस सर। तो मिनिमम है, ये फंडामेंटल है, जो मिनिमम है वो फंडामेंटल है। इसके बाद बढ़ाओ इसको, तो एक एक ऐड करते जाओ, या 2 हो गए, लेकिन इधर अगर एक ऐड होगा तो ये भी एक ऐड होगा, क्योंकि एक नोड के बाद एक एंटी नोड आना चाहिए। यस सर। ये आपका फर्स्ट ओवरटोन हो गया, फिर एक बढ़ाएंगे तो 3 और 3 सेकंड ओवरटोन हो गया, फिर एक बढ़ाइए 4 और 4 थर्ड ओवरटोन हो गया। इस तरीके से आपको याद रख सकते हैं। और यहां पर लैम्डा की वैल्यू 4L, यहां पर लैम्डा की वैल्यू 4L/3, यहां लैम्डा की वैल्यू 4L/5, यहां लैम्डा की वैल्यू 4L/7। बस ये एक छोटा सा चार्ट और सब कुछ काम हो जाए, मतलब लैम्डा अगर आ गया तो फ्रीक्वेंसी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ है रहती है। और यहाँ पर ये फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, ठीक है ये बोलो। यस यस सर। चलिए, ये है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केसेस। नाउ ओपन ऑर्गन पाइप अपने आप समझ में आएगा। देखो
थ्योरी अगर ऐसा ओपन ओपन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप। चलिए ये बताइए जो जो इनके एंड एंड है सर, सबसे पहले आप एंटी नोड बनेंगे और बीच में एक नोड बनेगा। एंड के एंटी नोड और ए एंटी नोड और दो एंटी नोड के बीच में नोड कंपलसरी। तो ये तो मिनिमम हुआ ना, कम से कम तो इतना तो कम से कम होगा। यस सर। ठीक है, अब बताओ इस केस में ये डिस्टेंस आपका एल बाई टू हो जाएगा। अगर टोटल लेंथ एल है इसकी, इसको किसके बराबर करें एल बाई टू को? लैम्डा बाई फोर के। लैम्डा कितना आएगा अगर ये लैम्डा बाई फोर है? 2L। बस मैं लैम्डा निकालना सिखा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी अपने आप आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ये आपका फंडामेंटल है। अब इसके बाद ऐड करना चालू करो, जो एंड वाले हैं उनको रहने दीजिए, ये तो आपके मिनिमम है, इनको नहीं हटा सकते। इसमें ऐड कर दो आप एक और एंटी नोड, ऐड कर दो। वो कहाँ ऐड होगा फिर? अगर मैं दो दो एंड पे हैं और एक और एंटी नोड मुझे ऐड करना है तो कहाँ ऐड करेंगे? नेचुरली सेंटर पे करो, क्योंकि सिमेट्रिक पैटर्न आना चाहिए। यस सर। और अगर बीच में सेंटर पर एंटी नोड होगा तो फिर बीच में यहाँ नोड बनेगा, यहाँ नोड बनेगा। अब ये डिस्टेंस आपको लेंथ वाइज देखी जाए तो एल बाई फोर हो गई, लैम्डा बाई फोर टू एल आए। हाँ, और ये लैम्डा बाई फोर हो गया। तो लैम्डा बराबर एल, फ्रीक्वेंसी बराबर वी अपॉन एल, जो कि फंडामेंटल से डबल आ रही है। इसकी डबल है, टू टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, इसलिए इसको सेकंड हार्मोनिक कहेंगे। फंडामेंटल का सेकंड है, टू टाइम्स है सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। यस सर। इसके इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, इसको रटना नहीं है, मेरा पॉइंट समझिएगा। ये दो एंड वाले आपको डिस्टर्ब नहीं करते, दो एंटी नोड थे फिर तीन हो गए, अब चार हो गए, तो चार कर लेते हैं। इनके बीच में नोड ऐड करो। अब ये कितने सेगमेंट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि ये एल बाई सिक्स हुआ, और एल बाई सिक्स लैम्डा बाई फोर होगा। लैम्डा इक्वल्स टू 12/3। 12/3 खत्म हो गई कहानी। फ्रीक्वेंसी 3V/12, जो कि इसका ट्रिपल है, थ्री टाइम्स ही। थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवर, थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवर, बस इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। अब इसमें जो एक वो दिखाते हैं हमें बुक्स में, एक डायग्राम होता है पाइप के अंदर, एक वेरिएशन दिखाते हैं डायग्राम के थ्रू। वो क्या होता है, वो कौन सा वेरिएशन दिखाया जाता है वो देखिएगा। यहां पर जो प्रेशर की बात करें, अगर प्रेशर की बात करिए तो इस पॉइंट पर प्रेशर का नोड है या प्रेशर का एंटी नोड है, और बड़ा सिंपल तरीका है, ओपन एंड है। ओपन एंड के जस्ट बाहर क्या चीज होगी, सोच के देखो, ओपन एंड के बाहर क्या होता है? अगर पाइप खुला हुआ है तो ये रेयरर हो गया, एटमॉस्फेयर होगा ना, मतलब ये सिंपल यार है, प्रैक्टिकल बात करिए तो अगर एक पाइप खुला हुआ है तो हम लोग कमरे में बैठे होंगे, कमरे में बैठे होंगे तो उसका ओपन एंड के बाहर एटमॉस्फेयर होगी। क्या हमारे बोलने से एटमॉस्फेयर का प्रेशर बदल जाएगा? अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या एटमॉस्फेयरिक प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे। तो ओपन एंड पर क्योंकि प्रेशर बाय एटमॉस्फेयर है और वो चेंज हो नहीं रहा, और अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो यहां पर नोड बोला जाएगा, प्रेशर प्रेशर का नोड बोला जाएगा। यहाँ पर प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आने का मतलब ये नोड ऑफ प्रेशर है, डिस्प्लेसमेंट का तो एंटी नोड है। यस सर। प्रेशर का नोड है, इसका क्या मतलब हुआ ये बता दें आपको। मान लो इस पाइप में हमने कोई गैस फिल कर रखी है और उस गैस का जो प्रेशर है वो पी नॉट है, प्रेशर ऑफ द गैस पी नॉट। और ये कंडीशन तब थी जब हमने यहां पर ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट नहीं किया था, नॉट इन वाइब्रेशंस,
ट्यूरिंग फोर्क को वाइब्रेट अभी नहीं किया है और उस टाइम पर पाइप के अंदर जो गैस है उसका कुछ प्रेशर है, पी नॉट मान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस प्रेशर को हम 4 एटमोस्फेयर मान लेते हैं, ये 4 एटमोस्फेयर का प्रेशर, 4 एटमोस्फेयर का प्रेशर पाइप के अंदर है, पाइप के बाहर 1 एटमोस्फेयर है। हम बाहर से वैसे अपना मतलब नहीं है हमें, क्योंकि हमारा मतलब पाइप के अंदर से ही, तो पाइप के अंदर 4 एटमोस्फेयर। तो होगा क्या कि जब इसके अंदर वेव नहीं जाएगी तो सभी हर एक पॉइंट का प्रेशर 4 एटमोस्फेयर बनेगा, हर एक पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू 4 एटमोस्फेयर। अब जब आप इसके अंदर ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कर दोगे, वाइब्रेटिंग फोर्क लगा दें इसमें, और वो वाइब्रेशन जो है सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन, जिससे कि यहां पर फंडामेंटल मोड की स्टैंडिंग वेव बन रही, उसके बावजूद भी क्या होगा, इस एंड का प्रेशर 4 एटमोस्फियर पर मेंटेन रहेगा। इसको बोलते हैं प्रेशर की नोड। प्रेशर का नोड का मतलब ये नहीं कि प्रेशर जीरो हो जाएगा वहां पर, प्रेशर नोड का मतलब ये हुआ कि वाइब्रेशंस के पहले उस पॉइंट पर जो प्रेशर था, वाइब्रेशंस के बाद भी वही प्रेशर बना रहे। और सेंटर पॉइंट जिसको डिस्प्लेसमेंट का नोड कहा गया है, कि सेंटर पॉइंट डिस्प्लेसमेंट की नोड है, यानी कि प्रेशर के एंटी नोड है, यानी कि इस पॉइंट पर प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। अगर हम प्रेशर नापने की कोई मशीन लगा दें यहाँ पर, जैसे ब्लड प्रेशर से नापते हो बीपी, तो यहाँ पर अगर आप प्रेशर मेजरमेंट की कोई डिवाइस लगा दें तो उसमें उस डिवाइस में प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट वैल्यू पर नहीं बनेगा, वो कभी कभी 4 एटमॉस्फेयर से ऊपर निकल जाएगा और कभी कभी 4 एटमॉस्फेयर से नीचे भी आ जाएगा। तो इस पॉइंट का प्रेशर एक रेंज में चला जाएगा, एंड सपोज वो रेंज 3.8 एटमॉस्फेयर से लेकर के और 4.2 एटमॉस्फेयर तक चली गई। इसका मतलब कितना वेरिएशन हो रहा है इसके अंदर, बिकॉज इस पॉइंट पर 4 एटमॉस्फेयर को पहले से भी था 0.2। तो जो 0.2 एटमॉस्फेयर है वो इस पॉइंट के लिए क्या कहलाएगा, 0.2 एटमॉस्फेयर को हम कहेंगे ये यहाँ का प्रेशर एम्पलीट्यूड है। yes, प्रेशर एम्पलीट्यूड मतलब कितना प्रेशर आप ऊपर नीचे कर सकते हो नॉर्मल प्रेशर से। बाकी के पॉइंट्स पर क्या होगा, इसके थोड़ा इधर आ जाओ, यहां वाले पॉइंट पर क्या होगा, प्रेशर तो यहां भी चेंज हो रहा होगा, लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है कि जिसको एंटी नोड कहा जा रहा है, ये पॉइंट प्रेशर का एंटी नोड है, मतलब फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा यहां पर होगी, मतलब 4 एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ऊपर नीचे अगर कहीं पर हो रहा होगा तो वो इस पॉइंट पर होगा। यहाँ पर भी प्रेशर वैरी करेगा, मतलब समटाइम्स इट विल बी मोर देन 4 एटमॉस्फेयर, समटाइम्स इट विल बी लेस देन 4 एटमॉस्फेयर। ये 4 एटमॉस्फेयर से 0.2 ज्यादा हो रहा है, ये 4 एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा लेकिन 0.2 नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ की जो रेंज होगी फॉर एग्जाम्पल 3.9 से लेकर के 4.1 तक हो सकती है। तो प्रेशर में यहाँ भी फ्लक्चुएशन है, बट यहाँ का फ्लक्चुएशन कम लिमिट में होगा, यहाँ का फ्लक्चुएशन ज्यादा लिमिट में होगा। ये एंटी नोड है, प्रेशर एंटी नोड। और इस वाले एंड पे जब जाएंगे तो यहां पर भी प्रेशर मेंटेन है, यहां पर प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है ये yes, sir. ठीक। अब एक और बात सुनिएगा, यानी कि अगर हम प्रेशर वेरिएशन को चेक करें तो किस तरीके से प्रेशर वेरिएशन हो रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करिए तो प्रेशर इज 4 एटमॉस्फेयर, देन सपोज आप अपर लिमिट देखो, अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, यहां पर अपर लिमिट भी 4 एटमॉस्फेयर, लोअर लिमिट भी 4 एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 4 से कुछ ज्यादा, कुछ और ज्यादा, कुछ और ज्यादा, कुछ और ज्यादा, कुछ और ज्यादा, सबसे ज्यादा यहाँ पर, उसके बाद प्रेशर वापस नॉर्मल आ जाएगा। इसी वेरिएशन को जब हम ग्राफ के ऊपर दिखाएंगे, यही वेरिएशन अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें
तो ये इस तरीके से दिखाए जाते हैं। ये जो हाइट यहां पर दिखाते हैं, ये हाइट चेंज ऑफ प्रेशर को इंडिकेट करता है। और जहां पर सबसे ज्यादा हाइट है, इसका मतलब प्रेशर में सबसे ज्यादा चेंज यहां पर आ रहा है, यानी ये प्रेशर का एंटीट्यूड। लेकिन क्योंकि प्रेशर वाइब्रेट कर रहा है, तो अगर वो प्रेशर कभी 4 एटमॉस्फेयर से ऊपर जाएगा तो कभी 4 एटमॉस्फेयर से नीचे भी आएगा। तो इसी का एक दूसरा पार्ट भी दिखाते हैं इस तरीके से। कभी डायग्राम देखोगे तो आपको ऑर्गन पाइप्स के अंदर इस तरीके के डायग्राम दिखेंगे। ये डायग्राम से हाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये डायग्राम से, मुझे किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कहाँ पर प्रेशर जो है ज्यादा ऊपर के साइड होने का मतलब प्रेशर जो है वो 4 से ऊपर पहुंच गया, और नीचे जाने का मतलब इस पॉइंट का प्रेशर 4 के नीचे आ गया। ऊपर नीचे दोनों चलेगा, तो वाइब्रेशन हो रही है। यहां पर प्रेशर मेंटेन इस तरीके से ग्राफ दिखाते हो। अब अगर यही ग्राफ मुझे यहां दिखाना हो, जिसको मैंने एंटी नोड लिखा है, ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, यानी कि प्रेशर के लिए नोड है, यानी यहां पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। जिसको नोड लिखा है ये डिस्प्लेसमेंट का नोड, यानी कि प्रेशर का एंटी नोड, यानी यहां पर प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम। अब देखो ग्राफ कैसा होगा, प्रेशर वेव का ग्राफ कैसा होगा। यहां पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पर प्रेशर में सबसे ज्यादा चेंज आएगा। इसको राइज कर दीजिए, यहां पर प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। यस, ये प्रेशर का नोड है। और इधर इसका अपोजिट दिखाते हो, मैं डायग्राम थोड़ा सा पलट दूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं प्रेशर वेव के हिसाब से नाम लिख रहा हूं। प्रेशर वेव के हिसाब से यहां पर नोड है, प्रेशर वेव के हिसाब से यहां नोड है, और प्रेशर वेव के हिसाब से यहां पर नोड है। इसके पहले जो लिखा था वो डिस्प्लेसमेंट वेव के हिसाब से लिखा था, ये प्रेशर वेव के हिसाब से। कल जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो ये कहा गया था कि एक नोड से अगले नोड के बीच में जो वाइब्रेशंस की डायरेक्शन होती है, और उसके बाद वाले नोड में अपोजिट होती है। तो अगर इस नोड से इस नोड के बीच के पॉइंट्स का प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा है, तो आगे के नोड का प्रेशर नॉर्मल से लो होगा। मतलब अगर अगर हाफ पोर्शन में कंप्रेशन है तो हाफ पोर्शन में रेडर एक्सेप्ट, बट ये क्योंकि परमानेंट नहीं है, जहां पर प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा है कुछ टाइम के बाद वहीं पर प्रेशर नॉर्मल से लो भी होगा। तो जब यहां पर प्रेशर डिप करेगा तो यहां पर राइज कर जाएगा। इस तरीके से दिखाते हैं इसको। ठीक है, यस सर, यस सर। अब इसके ऊपर और क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, मतलब पहले तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये जो ग्राफ होते हैं, ये ग्राफ प्रेशर वेरिएशंस को इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए जो ऑर्गन पाइप है वो सेकंड हार्मोनिक में चल रही है, ऑर्गन पाइप वाइब्रेट कर रही है सेकंड हार्मोनिक में, फॉर एग्जाम्पल, थर्ड हार्मोनिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन कहता है कि ऑर्गन पाइप इज वाइब्रेटिंग इन द सेकंड हार्मोनिक, and this highest value is 0.2 atmosphere. क्या मतलब है इस चीज का 0.2 atmosphere का? सर जो प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड है वो 0.2 है। 0.2 है, इसका क्या मतलब हुआ कि वाइब्रेशंस के पहले जो प्रेशर था उसके अंदर 0.2 प्लस या माइनस में, ठीक है ना। अब अगर और इस पाइप की एक लेंथ दी गई, फॉर एग्जांपल इस पाइप की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन बोल रहा हूं आपसे मैं, एक 100 सेंटीमीटर की पाइप है सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है और प्रेशर एम्पलीट्यूड 0.2 एटमॉस्फेयर है। मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट एंड से 20 सेंटीमीटर पे जो डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड से 20 सेंटीमीटर आगे वाले पॉइंट पर प्रेशर में क्या चेंज आएगा? इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं।
कि इफ द मैक्सिमम चेंज ऑफ अ प्रेशर इज 0.2 एटमॉस्फेयर मैक्सिमम व्हाट प्रेशर चेंज विल बी एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड अब आते ये ग्राफ प्रेशर चेंज को इंडिकेट कर रहे हैं हमें यह भी पता है कि यह सब कुछ वाइब्रेशंस में हो रहा है यानी ये जो ग्राफ है ये मैथमेटिकली या तो साइन के फंक्शन है या कॉस के फंक्शन है ग्राफ जो बना हुआ है वो अपने आप देखिए ये ग्राफ जो इस तरीके के ग्राफ बनाए जा रहे हैं अगर इसको ओरिजिन माने इस पॉइंट को ओरिजिन माने तो ये साइन फंक्शन के ग्राफ है या कॉस फंक्शन के ग्राफ है साइन फंक्शन के इसका मतलब चेंज ऑफ प्रेशर बिकॉज ये साइन फंक्शन है तो मैक्सिमम चेंज 0.2 और साइन फंक्शन है तो साइन ऑफ के एक्स ये स्टैंडिंग वेव की प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन होता है यस सर 0.2 मैक्सिमम है ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है अब यहां पर के आएगा के को क्या लिखे 2π / लैम्डा लैम्डा निकालना आपको बताया यहाँ पर मैं वैसा यहाँ पर लैम्डा कितना है लेंथ के बराबर लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर तो 2π/100 और इनटू एक्स अब मुझे अगर मुझे लेफ्ट साइड से 20 सेंटीमीटर पे जाना है तो यहाँ पर एक्स को 20 रखेंगे जैसे ही एक्स को 20 पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 0.2 इंटू साइन ऑफ 36 डिग्री अब ये ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा साइन 36 डिग्री निकालने के लिए प्रोसेस बोलो नहीं कुछ गड़बड़ हो गया सेवेंटी टू आएगा सर आ रहा है समझ में यार नहीं यस सर यस सर यस सर हाँ फिर बोलो ये प्रेशर पे चेंज निकाल रहे हो आप बार बार रिपीट कर रहा हूँ गलतियां नहीं होनी चाहिए चार एटमॉस्फेयर अगर था तो चार एटमॉस्फेयर में इतना और ऐड हो जाएगा या चार एटमॉस्फेयर में इतना लेस हो जाएगा वो टाइम पे डिपेंड करेगा किसी टाइम पर प्रेशर ज्यादा होगा किसी टाइम पर प्रेशर लो होगा ऑसिलेशंस का यही मतलब है एंड देन इसके बाद जो और क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर वो ये हालांकि वो हमने लास्ट क्लास में समझा दिया था वो एनर्जी ऑफ वेव निकालने का पिछले क्लास में समझाया हुआ है इनके बाद और भी एग्जांपल्स हैं स्टैंडिंग वेव अब आप प्रोसेस को समझिएगा स्टैंडिंग वेव इन अ क्लैंप्ड रॉड क्लैंप्ड रॉड के स्टैंडिंग वेव एक मेटालिक रॉड है सेंटर पॉइंट पर क्लैंप्ड है अब आपको ये समझो क्लैंप का मतलब ये क्या काम करने के लिए क्लैंपिंग एंटी नोड क्रिएट होगा मतलब और वैसे हम बात करें तो क्लैंप क्या करने के लिए होता है वेव को रिफ्लेक्ट करने के लिए यस सीधा सा प्रोसेस आपको क्या क्या चाहिए वो पता होना चाहिए हमें एक मटेरियल चाहिए ठीक उस मटेरियल को किसी एक पॉइंट पर फिक्स करना होता है हमने सेंटर पे कर दिया और इस एंड के ऊपर दूसरे एंड पर हमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसी चीज जिससे इसको वाइब्रेट कर सके तो हमने एक फोर्क लगा दी ट्यूरिंग फोर्क ट्यूरिंग फोर्क ने क्या काम किया इसने एक वेव भेजी क्लैंप ने क्या काम किया उस वेव को रिफ्लेक्ट कर दिया इन दोनों के सुपरपोजिशन से यहां पर स्टैंडिंग वेव बन गई अब इसके आगे कहानी ये तो हो गया फिजिक्स के पार्ट से इस पॉइंट पर क्या बनेगा नोड या एंटी नोड और मान लीजिए क्लैंप जो है वो मिड पॉइंट के ऊपर है मतलब ये टोटल लेंथ L है क्लैंप इज एट द मिड पॉइंट यहां पर वाइब्रेशन होगा या नहीं होगा
क्लैंपिंग हिंज फिक्स पॉइंट कभी वाइब्रेट नहीं कर सकता, मतलब कि ये नोड है। और जो ओपन एंड है ये मैक्सिमम वाइब्रेट करेगा एंटी नोड, और ये आपके फिक्स है, यहां का नोड और यहां का एंटी नोड फिक्स। कितने डिस्टेंस पे आ रहे हैं ये? एल बाई टू, एल बाई टू। इसको लैम्डा बाई फोर होना चाहिए, लैम्डा निकल जाएगा इससे 2L। फ्रीक्वेंसी स्पीड अपॉन ए वेवलेंथ। अब यहां पर स्पीड का फॉर्मूला, क्योंकि ये मटेरियल रॉड है, मेटल है, मेटल के अंदर स्पीड होती है यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी का स्क्वायर रूट। और सिमिलर वे में हमको एक ट्यूनिंग फोर्क यहां पे लगाना पड़ेगा, हमें दोनों साइड ट्यूनिंग फोर्क चाहिए, इधर भी इधर भी, सेम फ्रीक्वेंसी के, और एक्चुअली दोनों साइड से सेम चीज होगी। ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये है, इसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसके बाद सर केवल सिंगल साइड नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते हैं, तो स्टैंडिंग वेव आधे पोर्शन में बनेगी, आधे पोर्शन में नहीं बनेगी। अभी क्या होगा, इधर भी स्टैंडिंग वेव बनेगी, इधर भी बनेगी, और सिमिलर तरीके से बनेगी, आधे में भी कर सकते हैं। ओके सर। तो अगर मैं पॉइंट ये कि अगर आधे में ही करना था, अगर स्टैंडिंग वेव हाफ लेंथ में ही बनानी थी, तो इससे तो अच्छा हम मटेरियल छोटा लेते और उसको एंड पे क्लैंप कर देते। हम एक्स्ट्रा मटेरियल परचेज करके लाएं और आधे को क्लैंप करें और आधा हमारा यूज ना हो रहा हो, तो ये तो वेस्टेज ऑफ मनी हो गया, पैसा बर्बाद नहीं हो जाएगा इसमें? यस सर, है ना। और हम ज्यादा लेंथ वाइब्रेट क्यों कराते हैं? देखो, जितनी ज्यादा लेंथ वाइब्रेट करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी, और वेव का बेसिक पर्पस होता है एनर्जी क्रिएट करने का। साउंड वेव, लाइट वेव, ये सब एनर्जी जनरेट करने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए, सेंटर पे ही क्लैंप है, अभी भी सेंटर पे क्लैंप है, अभी भी हमने दोनों तरफ से ट्यूनिंग फोर्क लगा करके इनको वाइब्रेट कर दिया, आइडेंटिकल ट्यूनिंग फोर्क लगा दी, इधर भी वाइब्रेशन, इधर भी वाइब्रेशन है। लेकिन ये क्लैंप क्या करेगा, इधर वाली वाइब्रेशन को यहीं से वापस भेज देगा, इधर वाली वाइब्रेशन इधर चली जाएगी, तो यहाँ दोनों तरफ स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। लेकिन अब जो फ्रीक्वेंसी मैंने यूज की है वो पहले थोड़ी ज्यादा है, ये फ्रीक्वेंसी मोर देन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब नोड और एंटी नोड भी ज्यादा होने चाहिए। बट क्योंकि ये यहाँ का नोड और यहाँ का एंटी नोड परमानेंट है, ये नोड ये एंटी नोड परमानेंट है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ और ज्यादा नोड और एंटी नोड बढ़ा दो, तो हम इधर एक एंटी नोड बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन हमें मजबूरी है कि अगर आप एक एंटी नोड बढ़ाओगे तो एक नोड भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न ऑल्टरनेट होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, अगर टोटल लेंथ एल थी, ये एल बाई टू था, और उस एल बाई टू में एक दो तीन पोर्शन कर रहे हैं, यानी कि ये एल बाई फोर, एल बाई सिक्स होगा, एल बाई टू, और ये लैम्डा, ये लैम्डा बाई फोर होगा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू टू एल बाई थ्री। लैम्डा टू एल बाई थ्री होने का मतलब अब ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्पीड डिवाइडेड बाय टू एल बाई थ्री, जो कि आपके मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कितने टाइम्स ज्यादा है, मतलब कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कितने टाइम्स ज्यादा है? आंसर है थ्री टाइम्स। क्या बोलेंगे इसको, कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। यस सर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रॉड की क्लैंपिंग किसी और एंड पे कर दें, अगर सेंटर पे क्लैंप करने की बजाय मान लो इसको किसी और जगह क्लैंप कर दें, तो भी आप स्टैंडिंग वेव जनरेट कर सकते हो उसमें। फॉर एग्जाम्पल, हमने इसकी जो क्लैंपिंग की हुई है, एल बाई फोर डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट, टोटल लेंथ एल है और लेफ्ट साइड से एल बाई फोर डिस्टेंस पे क्लैंप किया है इसको, और वाइब्रेट कर दे, उसके लिए ट्यूनिंग फोर्क चाहिए दोनों तरफ, सेम फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क दोनों तरफ लेकर के आएंगे। तो
इधर वाला पार्ट भी वाइब्रेट करेगा, इधर वाला पार्ट भी वाइब्रेट करेगा, सेम फ्रीक्वेंसी पर ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है मेरे को, सबसे लो फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? तो जहां पर क्लैंपिंग है वहां पर दिखाएंगे नोड, और जहां पर बिल्कुल एंड पॉइंट है वहां पर दिखाओ एंटी नोड। क्या ये सबसे लोवेस्ट है? क्या ये पैटर्न सस्टेनेबल है? इधर वाले नोड और इधर वाले एंटी नोड में जो गैप है, क्या वही गैप इस तरफ आ रहा? नो सर। सर नहीं आ रहा। नो सर। तो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव इधर भी है, इधर भी है, मटेरियल भी दोनों तरफ एक ही है, मतलब जो वेव की स्पीड यहाँ होगी वही वेव की स्पीड यहाँ होगी। यस सर। जो वेवलेंथ यहाँ होगी वही वेवलेंथ यहाँ होगी। तो जितना डिस्टेंस नोड और एंटी नोड के बीच इस तरफ है उतना ही डिस्टेंस यहां भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर और भी नोड एंटी नोड आने चाहिए। ये एक नोड और एक एंटी नोड और बढ़ाओ यहां पर, तब आप कह सकते हो कि राइट वाले पोर्शन में एंटी नोड और नोड के बीच का जो डिस्टेंस है और लेफ्ट वाले पोर्शन में नोड एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैच कर जाएगा। यस सर। ठीक, ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का केस बनेगा, केस ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब ये डिस्टेंस एल बाई फोर, ये डिस्टेंस भी एल बाई फोर, ये डिस्टेंस भी एल बाई फोर, ये डिस्टेंस भी एल बाई फोर, और ये जो एल बाई फोर है ये लैम्डा बाई फोर। नाउ लैम्डा बराबर एल, फ्रीक्वेंसी बराबर वी अपॉन वेवलेंथ, और स्पीड को अपने हिसाब से स्क्वायर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी पुट कर दें। यस सर। ठीक, चलिए जरा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पे देखो क्या होगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पे आते मतलब नेक्स्ट का मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। बार बार भाई सी बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम तो नोड एंटी नोड के बीच गैप रिड्यूस करिए, और कम कम डिस्टेंस पे नोड एंटी नोड होंगे तो सेम लेंथ में उनके नंबर्स बढ़ेंगे। तो पहले इधर आओ, ये लेंथ जो थी इसमें एक एंटी नोड और नोड था, अब इससे ज्यादा हो जाएगा। तो अब इससे ज्यादा करने का मतलब क्या है, एक और एंटी नोड बढ़ा दो, पर जब आप एक और एंटी नोड बढ़ाओगे तो एक नोड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। तो अब ये अच्छा, हाँ, अब क्योंकि दोनों तरफ का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों तरफ की मीडियम सेम है, तो जैसी वेव यहां होगी वैसी वेव यहां भी होगी। तो जितने डिस्टेंस पर यहां नोड और एंटी नोड मिल रहे हैं उतने ही डिस्टेंस पर इधर भी मिलने चाहिए आपको। कितने नोड एंटी नोड बढ़ेंगे यहां पर? यहां पर ये लेंथ कितनी है एंटी नोड और नोड के बीच की? ये लेंथ, ये टोटल आपका है एल बाई फोर था, ये लेंथ एल बाई फोर थी, वन टू थ्री, यानी कि ये लेंथ हो गई एल बाई ट्वेल्व। एल बाई ट्वेल्व बराबर लैम्डा बाई फोर, लैम्डा की वैल्यू बनी यहां पर एल बाई थ्री, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बनी थ्री वी बाई एल। कौन सी फ्रीक्वेंसी बोले अगर हार्मोनिक पूछी जाए तो, ये कौन सा हार्मोनिक होगा? फंडामेंटल से कंपेयर करके देखो इसे। थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसी एल बाई ट्वेल्व लेंथ पर यहां पर भी आपको चलना है। ये टोटल लेंथ है थ्री एल बाई फोर, 3L by 4 लेंथ को L by 12 के कितने सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3L by 4 को डिवाइड करिए L upon 12 के सेगमेंट्स। 9। L by 9। तो इसका मतलब L upon 12 के 9 सेगमेंट्स हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
और हर एक एल बाई 12 डिस्टेंस पर यहां से आगे बढ़ेंगे, एल अपॉन 12 डिस्टेंस जैसे ही होगा एंटी नोड मिल जाएगा, उससे एल बाई 12 आगे आएंगे नोड मिल जाएगा, उससे एल अपॉन 12 आगे जाएंगे एंटी नोड मिलेगा, उससे एल बाई 12 आगे जाइए नोड मिलेगा, इस तरीके से आगे बढ़ते चलिए। बोलो जल्दी से इस बारे में बताइए। यस सर। मतलब ऐसे में क्या करना जिसमें रॉड वाला केस आ जाए ना, तो जिस तरफ कम लेंथ है ना उस तरफ अपनी वर्किंग करना, जिस साइड में लेंथ कम हो उस साइड अपनी वर्किंग रिपीट कर दो, ज्यादा लेंथ वाले को छोड़ दो। अब एक क्वेश्चन है, ये बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन है, मुझे प्रॉब्लम याद नहीं है बट ये एचसीवी में भी है और जेई के प्रीवियस इयर्स में भी, दोनों जगह पर है, एचसीवी के चैप्टर में भी है और जेई में भी। उसमें क्या था कि दो दो स्ट्रिंग्स बनाई गई, एक स्ट्रिंग यहां पर और इसके साथ एक और स्ट्रिंग लगा दी, बट जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है वो पहले वाले स्ट्रिंग से थोड़ी सी मोटी, मतलब यहां पर इससे ज्यादा थिकनेस की स्ट्रिंग लगाई, एक लाइट स्ट्रिंग और एक हैवी स्ट्रिंग, और इनको ऐसे करके क्लैंप कर दिया। इसकी अपनी एक लेंथ है, इसकी अपनी एक लेंथ है, लेंथ क्वेश्चन में दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या दिया था, लेकिन L1 L2 मान लो, ये सपोज दैट ये लेंथ L है और ये लेंथ 2L है, ऐसे रैंडमली मान लें। पता नहीं ध्यान नहीं आ रहा इसमें क्वेश्चन, रुको एक मिनट देख के बता रहे। देखो मैं बता रहा हूँ क्या है, बुक से देख के बता दे। अच्छा इस क्वेश्चन में तो क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इस क्वेश्चन में क्या कहना है कि दोनों जो वायर्स है ना ये सेम मटेरियल के हैं, सेम मटेरियल के दोनों वायर्स, बट इसका डायमीटर इसके डायमीटर का डबल है, मतलब ये हमारा वायर वन है, ये वायर टू है, सेम मटेरियल है बट ये डायमीटर में डबल है। और दोनों में एक कॉमन टेंशन फोर्स है, दोनों में टेंशन फोर्स की वैल्यू दी गई है 4.6 न्यूटन। जो ये पहला वाला वायर है इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका मास पर यूनिट लेंथ यानी कि म्यू, मास पर यूनिट लेंथ इसकी भी वैल्यू दी गई है 2 ग्राम्स पर मीटर। अब ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है, हाँ
ये सिस्टम वाइब्रेट हो रहा है और इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है कि जो जो यहाँ पर इनका ज्वाइनिंग है, जहां पर ये दोनों स्ट्रिंग आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ये एक नोड है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, वाइब्रेशंस आर सच दैट ज्वाइंट इज अ नोड एंड देयर आर टू एंटी नोड्स। हमें फ्रीक्वेंसी बतानी क्या बनेगी, यहां पर फ्रीक्वेंसी पूछ रहे किस फ्रीक्वेंसी पर ये वाइब्रेट हो रहा है। और फिर ये भी पूछा है, इसका एक पार्ट और है कि ये वाला वायर जो है ये इसकी लेंथ क्या है, ये भी क्वेश्चन है, इस वायर की क्या लेंथ है। और एक वर्ड और है, पता नहीं उसका सिग्निफिकेंस है या नहीं है, उन्होंने कहा है कि ज्वाइंट इज अ सेंट्रल नोड, पता नहीं इसका वर्ड इसका कोई रेलेवेंस है या नहीं है। देखो अब क्या करूंगा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि ये दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं, इससे क्या होगा दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं, इससे हमारे लिए क्या हमें क्या फायदा मिलेगा। तो वेव की स्पीड मीडियम के मटेरियल पर डिपेंड करती है। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम मटेरियल से बने हैं, इसका मतलब जिस स्पीड पर वेव यहां चलेगी उसी स्पीड पर वेव यहां चलेगी। ये पहला पॉइंट हो गया, वेव स्पीड कॉमन। वेव की फ्रीक्वेंसी, वो इवन अगर मीडियम अलग भी हो जाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेव की फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंडेंट है। तो जिस ट्यूनिंग फोर्क से या जिस भी डिवाइस से इनको वाइब्रेट किया गया होगा, वो फ्रीक्वेंसी दोनों स्ट्रिंग्स में हमेशा सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी उस समय भी सेम होगी जब ये अलग अलग मेटेरियल्स के हो जाएंगे तब भी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करने वाले सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन में सेम फ्रीक्वेंसी और सेम स्पीड, क्योंकि मटेरियल सेम है तो इसका मतलब सेम वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ पर यहां वेव आएगी उसी वेवलेंथ पर यहां भी आएगी। और सेम वेवलेंथ होने का मतलब ये हुआ कि जितने जितने गैप पर नोड और एंटी नोड यहां पर मिलेंगे, उतने ही गैप के ऊपर नोड एंटी नोड यहां भी मिलेंगे। सेंटर पॉइंट नोड है ऐसा प्रॉब्लम कह रहा है, फिक्स्ड एंड एंटी नोड होंगे ये भी श्योर है। क्या इसके अलावा भी नोड एंटी नोड दिखाऊं मैं? तो क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन के लैंग्वेज में कह रहा है कि दो ही एंटी नोड है, वो दोनों कुछ गड़बड़ हो गया सॉरी। फिक्स्ड एंड नोड है, एंटी नोड्स इनके बीच में आने चाहिए। इस नोड और इस नोड के बीच में एक एंटी नोड आएगा, इस नोड और इस नोड के बीच में एक और एंटी नोड आ जाएगा। हमारी क्वेश्चन की कंडीशंस फुलफिल हो गई, दो एंटी नोड बोले गए थे, दो एंटी नोड हो गए। सेंटर पर नोड कहा गया वो भी हो गया, साइड वाले नोड बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होंगे फिक्स पॉइंट से। अगर हम लेफ्ट स्ट्रिंग की बात करें तो ये 40 सेंटीमीटर है, यानी कि ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर लैम्डा बाई 4 है, ये 20 सेंटीमीटर अगर लैम्डा बाई 4 है, इसका मतलब वेवलेंथ की वैल्यू 80 सेंटीमीटर। वेव की स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी, टेंशन फोर्स गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ भी दिया है 2 ग्राम पर मीटर, तो ग्राम को किलोग्राम में लेके जाए। ये हो गया 2.3 उधर जाकर के स्क्वायर रूट ऑफ 2300। एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा 5 न्यूटन कर दे तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 5 न्यूटन तो ये
2500 हो जाएगा, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई, वेवलेंथ आ गई, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक पार्ट सॉल्व हो गया। यहां पर इसकी लेंथ निकालनी है, जो भी इसकी लेंथ होगी, मुझे नहीं पता क्या लेंथ है, बट जो भी इसकी लेंथ होगी, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस उसका आधा होगा, ये L by 2 होगा, और ये L by 2 20 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। इसका लॉजिक क्लियर है, ये L by 2 बराबर 20 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। यस सर। नहीं यार यस नहीं करो, गड़बड़ हो रही है कुछ। 20 होगा ना, सेम होना चाहिए। नहीं यार, हमने इस फैक्टर को इग्नोर कर दिया, सॉरी, हमने ये पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया कि डायमीटर में डिफरेंस है। पूरी मिस्टेक हुई है। देखिए, मतलब यहां तक मिस्टेक नहीं है, इसके आगे क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या डायमीटर डिफरेंट हो गया, जो हो गया, भले मटेरियल सेम है बट डायमीटर अलग है। तो जो वेव स्पीड होगी ना, वेव स्पीड होती है अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। एक प्रैक्टिकल बात सोचिए, क्या एक पतली स्ट्रिंग और एक मोटी स्ट्रिंग, एक मीटर की पतली स्ट्रिंग लो और एक मीटर का मोटी रस्सी लेकर के आओ, सेम मास के होंगे वो? नो सर। इसका मतलब जिसमें डायमीटर ज्यादा है उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा इसका वॉल्यूम? डायमीटर डबल है और वायर को सिलेंडर के फॉर्म में मान लो, तो इसका मतलब वॉल्यूम 4 times ज्यादा होगा इसमें। सेम मटेरियल को 4 times ज्यादा वॉल्यूम में डालेंगे तो मास भी 4 times ज्यादा आएगा। मतलब अगर यहां 2 grams per meter है तो ये चीज 8 grams per meter आएगी। इस पे हमने डायमीटर वाली लाइन भूल गए थे, 8 grams per meter, तो यहां स्पीड सेम नहीं आई क्योंकि टेंशन फोर्स तो आपका 5 है लेकिन यहां पर 8 grams per meter यानी 8 × 10⁻³ हो गया। यहां पर स्पीड अलग है। अब ये 5000/8 2500/4 50/2 25 आएगा सर, ये 25 ही आएगा, 25 मीटर पर सेकंड। यस सर। ठीक है, 25। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या आई थी? पहले फ्रीक्वेंसी देखिए, इधर वाले स्ट्रिंग में स्पीड और वेवलेंथ दोनों पता है तो इससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्या आएगी फ्रीक्वेंसी? आएगी 50/80, बट ये 80 सेंटीमीटर में है तो 50/ इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले तो ये 5000/80 यानी 500/8 250/4 125/2 यानी कि 62.5 Hz। यही फ्रीक्वेंसी यहां आएगी। तो अब यहां पर स्पीड 25 है, फ्रीक्वेंसी 62 यानी कि 125/2 Hz है, तो अब हम यहां वेवलेंथ निकालेंगे। और यहां पर वेवलेंथ जब कैलकुलेट करेंगे तो इधर का वेवलेंथ राइट वाले पोर्शन में जो वेवलेंथ है, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी 25/125/2 50/125 मीटर्स में,
100 मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 40 सेंटीमीटर आ रहा है, और वेवलेंथ अगर 40 है और ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होती है, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, लैम्डा 40 है, इधर जो वेवलेंथ है वो 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, यानी कि ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हुआ। नहीं यार, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, लैम्डा है 40, उसका 1 बाई 4 करेंगे तो 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये यानी कि इधर वाले वायर की लेंथ 20 सेंटीमीटर की है। वो करेक्शन बता दूं आपको, जो हुआ था जल्दीबाजी में, डायमीटर के डिफरेंस की वजह से स्पीड डिफरेंट हो जाएगी, स्पीड डिफरेंट हो जाने के बाद वेवलेंथ में डिफरेंस हो जाएगा। तो दोनों वायर में फ्रीक्वेंसी कॉमन करवा रहे हैं? फ्रीक्वेंसी तो कॉमन, फ्रीक्वेंसी वायर पे नहीं डिपेंड कर सकता, क्योंकि हमने इन स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट तो एक ही ट्यूनिंग फोर्क से किया होगा, जिस भी ट्यूनिंग फोर्क से किया होगा वो कॉमन होगा। सेम फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ में डिफरेंस है, स्पीड में डिफरेंस है। और इसके क्वेश्चन एचसीपी में मिल जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो है स्टैंडिंग वेवी के ऊपर। स्टैंडिंग वेव की एप्लीकेशन पर हमारे दो एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। इसमें एक एक्सपेरिमेंट जो बड़ा फेमस है, मतलब क्वेश्चंस के हिसाब से भी, वो कहलाता है हमारा रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या करते हैं इसके अंदर, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है? रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास ट्यूब के अंदर पानी भर दे, इसको पूरा पानी से भर दिया जाए, इसके ऊपर एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क लगा दे, एक ट्यूनिंग फोर्क जो वाइब्रेट करता हो, और साइमल्टेनियसली वाटर का लेवल रिड्यूस करते जाए। मैं प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा, लैब के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं। ग्लास ट्यूब, उसके अंदर पानी भरा है, कंप्लीटली फिल्ड है, ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करके इसके ऊपर रख दिया। जब इसके ऊपर ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करके रखा, साथ में पानी का लेवल कम करते जाइए, और ऐसा कहा जाता है कि जब पानी का लेवल कम होता जाएगा तो एक सर्टेन लेवल पर जाकर के काफी तेज साउंड अपीयर होता है। मतलब इसमें लेबोरेटरी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड मिल जाता है, जो ये कंफर्म करता है कि ट्यूनिंग फोर्क और पानी के लेवल नीचे जाने के बाद यहां पर जो एयर आ गई, इस एयर के वाइब्रेशन में और ट्यूनिंग फोर्क के वाइब्रेशन में मैच, दोनों की वाइब्रेशंस मैच कर गई हैं, यानी कि एयर और ट्यूनिंग फोर्क रेजोनेंस के मोड में आ गए, और इसको कहा जाता है कि ये फर्स्ट रेजोनेंस की कंडीशन। क्या है रेजोनेंस, किस चीज को रेजोनेंस कहा गया है? एसएसएम के चैप्टर में बोला गया है, एक सिस्टम के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अगर अप्लाइड फोर्स के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, मतलब जिसकी वजह से उसको वाइब्रेट किया जा रहा है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाएगी, तो रेजोनेंस की स्टेज आ गई।
एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप पानी का लेवल कम करते हो और यहाँ पर एयर आ जाती है, तो ये पोर्शन ऑर्गन पाइप हो गया, ये पोर्शन एक ऑर्गन पाइप हुआ, और जैसे जैसे पानी का लेवल कम करेंगे, ये लेंथ अगर इसको हम L1 कहें तो ये एक वेरिएबल लेंथ आएगी, और जैसे ही ये लेंथ लैम्डा बाई फोर बनेगी, जैसे ही ये लेंथ लैम्डा बाई फोर बनेगी, वैसे ही यहां पर बन जाएगा एंटी नोड और यहां पर बन जाएगा नोड डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट से, और ये ऑर्गन पाइप अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेशन स्टार्ट कर चुका होगा। जब तक ये लेंथ लैम्डा बाई फोर तक नहीं पहुंचती, तब तक एयर कॉलम के वाइब्रेशन स्टैंडिंग वेव नहीं बना सकते, और तब तक उसमें और ट्यूनिंग फोर्क में कोई रेजोनेंस की स्टेज नहीं आई। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट है तो कुछ प्रैक्टिकल बातें होती हैं, और एक्सपेरिमेंट में और थ्योरी में एक डिफरेंस हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थ्योरेटिकल रिजल्ट से थोड़े अलग होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में ये कहा जाता है कि ये जो एंटी नोड हम दिखा रहे हैं, ये इसके ओपन एंड, जहां पर ये पाइप का ओपन एंड है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर ना होकर थोड़ा सा ऊपर बनता है। प्रैक्टिकल केसेस में एंटी नोड ओपन एंड से स्लाइटली ऊपर होता है, और जितना वो ऊपर होता है ओपन एंड से, उस डिस्टेंस को स्मॉल ई एंड करेक्शन के नाम से पढ़ा गया। ये प्रैक्टिकल केसेस में, थ्योरेटिकल केसेस में तो हम ये बोलते हैं कि एंटी नोड विल बी एट दिस पॉइंट, बट जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एंटी नोड इससे हल्का सा ऊपर आ जाता है। यानी कि एंटी नोड और नोड के बीच इफेक्टिव सेपरेशन L1 नहीं है, L1 प्लस E है, और ये वैल्यू लैम्डा बाई फोर होनी चाहिए। फिर वाटर का लेवल और कम करते जाइए, पानी का लेवल और रिड्यूस करें इसके अंदर। जब पानी का लेवल रिड्यूस करेंगे तो एयर की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, जितना पानी कम होगा उतना एयर ज्यादा होता जाएगा, तो लेंथ ऑफ एयर बढ़ेगी, और जैसे ही एयर की लेंथ 3 लैम्डा बाई फोर हो जाए, क्योंकि 3 लैम्डा बाई फोर होते ही क्या होगा, यहां पर नोड डिस्प्लेसमेंट का, इसके ऊपर एंटी नोड, इसके ऊपर नोड, और ऊपर वाले एंड पर एंटी नोड। बट एक बार फिर से, ये जो एंटी नोड होगा ये थोड़ा सा ऊपर दिखाना होता है, स्लाइटली ऊपर, ओपन एंड से ई डिस्टेंस ऊपर जाते हैं इसको। जब ये कंडीशन आती है तो ये कहा जाता है कि सेकंड रेजोनेंस आती है, ट्यूरिंग फोर्क अभी भी लगा होना चाहिए यहां पर, सेकंड रेजोनेंस। तो अब हमारा जो इफेक्टिव लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, ये लैम्डा बाई फोर, ये लैम्डा बाई फोर, ये लैम्डा बाई फोर, टोटल 3 लैम्डा बाई फोर, और वो एल टू प्लस ई होना चाहिए। इन दोनों इक्वेशंस के बेस पर लैम्डा निकाल सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्शन करने से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 2 टाइम्स L2 माइनस L1। और लैम्डा निकालने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर साउंड की जो स्पीड है वो कितनी होगी। स्पीड ऑफ साउंड वेव निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी पता है एफ है, और वेवलेंथ पता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ से साउंड की स्पीड निकालते हैं, जो इस एक्सपेरिमेंट का एम होता है, फाइंडिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर कॉलम, एम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय L2 माइनस L1, ये इसका फाइनल आंसर है, साउंड स्पीड।
इसमें एंड करेक्शन भी निकालने को दिया जाता है, क्वेश्चंस के अंदर एंड करेक्शन भी पूछते हैं, वो भी आ जाएगा। जब लैम्डा कैलकुलेट हो गया तो ये लैम्डा ले जा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दें और यहाँ से एंड करेक्शन कैलकुलेट कर दें। वो कैलकुलेट करने के बाद आएगा एल टू माइनस थ्री एल वन डिवाइडेड बाई टू, और ये भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जो एंड करेक्शन होता है उसका इस पाइप के रेडियस के साथ एक रिलेशन बनता है। अगर पाइप की रेडियस आर है तो एंड करेक्शन का पाइप के रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है, और वो रिलेशन होता है एंड करेक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ द रेडियस। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर। और एक दो एक्सपेरिमेंट मैंने बोला है, तो एक एक्सपेरिमेंट ये है और एक एक्सपेरिमेंट हमारा होता है इसके अंदर सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, दो ऐसे वेज लेते हैं ट्रायंगल फॉर्म में, दो वेज, इसमें एक वेज फिक्स होता है और एक वेज मूव करने वाला होता है। और इन दोनों वेज के ऊपर से एक स्प्रिंग पास करते जिसको एक साइड पर किसी वॉल से अटैच करते और दूसरे साइड पर किसी पुली से अटैच करके उससे कुछ लोड लगा दे, यहां पर एम मास का लोड। और इस स्ट्रिंग के पास हमें एक ट्यूरिंग फोर्क लेकर के जाएं जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ हो, ये सब कुछ एक हॉरिजॉन्टल वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है। हॉरिजॉन्टल वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर का एक्सपेरिमेंट है, बट अगेन क्योंकि लैब नहीं जा रहे हम। देखिए फिक्स्ड वेज और मूवेबल वेज के बीच में अगर डिस्टेंस एल मान लेते, एक एक करके समझाता हूं लोड का काम क्या है। तो लोड जो लगाया है वो इस वायर में टेंशन को जनरेट करने के लिए लगाया है, सो टेंशन की वैल्यू बन जाएगी एम जी के बराबर। अगर ये सब कुछ किसी इनर्शियल फ्रेम में हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में यानी कि लिफ्ट वगैरह में चले जाओगे तो मैकेनिक्स का प्रिंसिपल लग जाएगा, स्यूडो फोर्सेस लग जाएंगी, टेंशन फोर्स कुछ और भी हो सकती है। अगर इसे लोड को पानी वगैरह में डिप कर दे तो बॉयंसी लग जाएगी, तो टेंशन फोर्स विल बी एम जी माइनस बॉयंसी। तो वो मैकेनिक्स का प्रिंसिपल है कि यहाँ पर टेंशन फोर्स कैसे निकालेंगे। नॉर्मल केसेस में टेंशन फोर्स की वैल्यू एम जी के बराबर। स्ट्रिंग जो यूज की है उसका मास पर यूनिट लेंथ गिवन होता है, उसको हम म्यू मान लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ के म्यू। और हम क्या नोटिस करते हैं ट्यूरिंग फोर्क में और दोनों वेज के बीच जो स्ट्रिंग है, दोनों वेज के बीच इस स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस को कंसीडर करो आप। स्ट्रिंग बिटवीन द टू वेजेस उसका वाइब्रेशन और इस ट्यूरिंग फोर्क का वाइब्रेशन, इन दोनों के बीच रेजोनेंस एस्टेब्लिश किया जाता है। और रेजोनेंस एस्टेब्लिश करने का मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग के वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच कर रही है। सो ये दिस पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन द टू वेजेस, पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन द टू वेजेस विल वाइब्रेट एट दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क। अब डिपेंड करता है, अगर हमारा ट्यूनिंग फोर्क लो फ्रीक्वेंसी का है
तो ये पोर्शन फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करेगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है तो ये किसी ओवरटोन में वाइब्रेट करेगा, हार्मोनिक में चला जाएगा। मतलब ये पोर्शन स्ट्रिंग का वाइब्रेट करेगा, बट कौन से मोड में वाइब्रेट करेगा डिपेंड करता है ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या है। इन जनरल इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की जो जनरल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है n अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। जनरल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का फॉर द स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स की फ्रीक्वेंसी का जनरलाइज फॉर्मूला ये है, और ये ट्यूनिंग फोर्क से मैच करना चाहिए। और इसे एक बार ध्यान रखना है, फिक्स्ड वेज के ऊपर हमेशा नोड बनेगा और इस वाले फिक्स्ड वेज के ऊपर भी हमेशा नोड बनेगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट वाइब्रेट नहीं कर सकता, नीचे जा नहीं सकते और ऊपर गए तो इसके साथ कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगी। तो कॉन्टैक्ट में बने रहें और नीचे ना जाएं, ऊपर ना जाएं, ये सब तभी होगा जब इस पॉइंट में वाइब्रेशन ना हो और इस पॉइंट में भी वाइब्रेशन ना हो, यानी कि इस पोर्शन के अंदर एक स्टैंडिंग वेव बन रही होगी। एन की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू मिलेगी एन की, अगर एन वन आया तो इसका मतलब ये फंडामेंटल वाइब्रेशन होगा, एन की वैल्यू टू आई सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, एन थ्री आया थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट होते हैं सब। ठीक है तक? यस सर पूरा। तो स्टैंडिंग वेव ठीक है, अब स्टैंडिंग वेव आपका मतलब काफी डिटेल में हो गया, दो लेक्चर्स मिला करके डिटेल हो गई है पूरी तरीके से, बाकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी हो जाएगा। टॉपलर पूरा हो गया है, स्टैंडिंग वेव मतलब अब आपका मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के हिसाब से कंप्लीट कर दिया है। इस चैप्टर में अब आपका सिर्फ एक टॉपिक रह जाता है जो शायद आप खुद से ट्राई कर सकते हो, वो टॉपिक कहलाता है बीट्स, साउंड वेव के अंदर आता है ये, बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है।